हम लगातार बात करें इस वक्त की बड़ी खबर की। चारा घोटाले में जज बदलने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगाया सुप्रीम कोर्ट से। एहतशाम खान लगातार बने हुए हमारे साथ इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए। एहतशाम, अब लालू प्रसाद यादव के पास कोई विकल्प बचा नहीं है, अब झारखंड की अदालत को जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाना होगा। बिल्कुल, ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। रांची की जो विशेष अदालत है, विशेष सीबीआई अदालत है, उसमें ये मामला चल रहा था जिसमें कि झारखंड के चाईबासा जिले के ट्रेजरी से लगभग 38 करोड़ रुपया गलत तरीके से निकाले जाने का मामला है और इसमें लालू यादव मुख्य आरोपी हैं। इस पर फैसला 15 जुलाई को ही आना था, लेकिन शायद लालू यादव को ऐसा लग रहा होगा कि फैसला उनके खिलाफ आ सकता है, इसीलिए आखिरी वक्त में उन्होंने एक दांव खेला कि जज पर आरोप लगाया कि जो जज हैं वो पक्षपात कर रहे हैं और इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट गए जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए, यहां पर भी उन्हें अब कोई राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि चारा घोटाले का मामला जो 1997 से चला आ रहा है लगातार, उसको अब खत्म होने का वक्त आ गया है और सीबीआई के जो जज हैं सीबीआई अदालत के, उनसे कहा है कि निडर होकर वो बगैर किसी तरह के इन्फ्लुएंस में आए हुए अपना फैसला सुनाएं। तो अब 20 दिन का समय और दिया गया है कि 15 दिन कोई भी आरोपी अगर चाहे तो कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकता है। विच वी आर गिवन इन द पिटिशन ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद यादव, नेमली वन दिस मिस्टर शाही, पीके शाही, हु इज अ मिनिस्टर नाउ इन नीतीश कुमार गवर्नमेंट, हिज कजिन सिस्टर, हिज कजिन इज मैरिड टू द जज हु इज हियरिंग द केस सिस्टर एंड दैट इज व्हाई देयर इज लाइकली टू हैव टू अ बायस एंड द सेकंड दैट ऑन 28 जून द जज पुट अप ए नोटिस दैट आर्ग्यूमेंट रिटर्न सबमिशन शुड बी मेड बाय 1 जुलाई 2013 एंड जजमेंट विल बी डिलीवर ऑन 15 जुलाई। बोथ हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से दिस इज रॉन्ग, द जज शुड नॉट हैव डन इट, बट from that it is not enough to come to a conclusion that the judge will be biased and the court has expressed the hope that the judge, the prosecutor and the accused counsel will all act according to law and they have the timeline been set. Yeah, within 5 days the prosecution is given 5 days time to 5 days time is given to prosecution to make submissions, 15 days time is given to the accused to make their submissions. Are you filing a review petition? सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को लेकर क्या फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ट्रांसफर पिटीशन की थी कि ये केस जो जज सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, वो खारिज की है। जज ने ये भी कहा कि जो दो वजह दी थी, एक वजह ये थी कि जो मिस्टर शाही है जो अभी मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार की कैबिनेट में, वो उनके कजिन की शादी जज की सिस्टर के साथ हुई है और दूसरा वजह था कि 20 जून को जज ने एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगवा दी कि 1 जुलाई तक रिटर्न सबमिशन फाइल किया जाए और 15 जुलाई को वो जजमेंट देंगे। नाउ ये लीगली गलत था, लेकिन उसमें से आप ये नहीं कह सकते कि जज के पास पार्शियलिटी होगी या वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं देंगे। सर, इन लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द एमपी एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन, इज दिस अ प्रॉब्लम फॉर मिस्टर लालू प्रसाद यादव? इफ ही गेट्स कन्विक्टेड विल ही नॉट बी एबल टू स्टैंड फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन? यू सी, आई टेल यू दैट बोथ दिस जजमेंट्स आर देयर, नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस इन दिस जजमेंट। So it is not possible to say what will be. He may have a problem, he may not have a problem. That will depend on what judgment is given. Are you planning for a review petition?